हैं यूपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ युक्ता। और आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जी हां, हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है पंचायत चुनाव के चलते। साथ ही हाईकोर्ट ने आरक्षण आवंटन प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इस प्रक्रिया का जवाब सरकार सोमवार को दाखिल करेगी। हालांकि सरकार द्वारा दाखिल की गई प्रक्रिया का जवाब मनोज सिंह ने जारी किया है। साथ ही शासनादेश सभी डीएम को भेजा गया है। आदेश हम आपको बता दें कि आरक्षण प्रकाशन 17 मार्च को होना था। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। देश में पहली ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जहाँ देश के राष्ट्रपति पहली बार वाराणसी दौरे के साथ महा गंगा आरती के भी गवाह बनेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश में राष्ट्रपति वाराणसी दौरे के साथ माँ गंगा आरती के गवाह बनेंगे। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के राष्ट्रपति माँ गंगा आरती के साथ साथ परिवार सम्मिलित होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 से 15 मार्च को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। साथ ही मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जिसके साथ वो काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। अगली खबर बलिया से है, जहां जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। साथ ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसके दूसरे दिन में मुख्य अतिथि के रूप में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल के साथ मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति पूर्व प्रमुख लोकायुक्त छत्तीसगढ़ शंभुनाथ श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ। अगली खबर खमीरपुर से है, जहां एक कलयुगी बेटे ने ही अपने वृद्ध पिता की हत्या कर दी और साथ ही अपनी मां और बहन को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि पिता की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन मां और बहन अभी गंभीर रूप से घायल है और उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमीरपुर में कलयुगी बेटे ने की अपने वृद्ध पिता की हत्या और किया रिश्तों को शर्मसार, साथ ही अपनी माँ और बहन को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है। हम आपको बता दें कि घायल माँ और बहन को निजी अस्पताल ले जाया गया, हालांकि पिता की मौके पर ही मौत हो गई। जहाँ माँ और बहन का उस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमीरपुर निवासी मृतक जगेश्वरन निषाद के बेटे का मानसिक संतुलन गंभीर रूप से खराब है। फिलहाल अभी मामले की जाँच चल रही है। 10 बजे की घटना है, ग्राम महेरा थाना बिवार में एक जागेश्वर हैं, उनके लड़के ने डालचंद ने उनको चाकू से मार दिया, जिससे उनको चोट लग गई सीने में बाएं तरफ। उनको इलाज के लिए मुस्कुरा हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसने अपने भाई दुल्ली चंद को भी मारा है चाकू, अपनी माँ को भी मारा है, अपनी लड़की को भी मारा है। बता रहे हैं मेंटली डिस्टर्ब था, उसका इलाज ग्वालियर से चल रहा था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, चाकू बरामद कर लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक जो है वो अक्यूज्ड का बाप है, पिता है, और इसके रिश्तेदार और सभी लोग कह रहे हैं कि उसका दिमाग कुछ डिस्टर्ब था, उसने घटना किया। फिलहाल आज की बुलेटिन में इतना ही, और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़। नमस्कार।